दिसंबर 1989 उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह हिंदुस्तान के 8वें प्रधानमंत्री और देश की दूसरी गठबंधन सरकार के अगुआ वीपी सिंह के शपथ ग्रहण की कहानी इन्हीं अल्फाजों में सिमटी है। ताज के लिए दो में टक्कर थी, तीसरे के कंधे का सहारा लिया गया और पहले को सिंहासन हासिल हो गया। जनता दल में संसदीय दल के नेता के चुनाव में कुछ इसी अंदाज में राजनीति का खेल हुआ। दो ठाकुर, मांडा के राजा वीपी सिंह और बलिया के बागी चंद्रशेखर में टक्कर थी। अंतिम समय में जाट राजा देवीलाल की एंट्री हुई, लेकिन ताज मिला मांडा के राजा वीपी सिंह को। तीन बड़े नेता का नाम सामने था, देवीलाल, चंद्रशेखर और वीपी सिंह। वीपी सिंह को ऐसे में सरकार चलाने के साथ साथ प्रधानमंत्री बनने का बहुत शौक था। चंद्रशेखर भी हर कीमत पर प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। देवीलाल एक ऐसे शख्सियत थे जो हरियाणा में अपना नाम कमा चुके थे, लेकिन स्वच्छंद राजनीति करना चाहते थे। ऐसे में वीपी सिंह के कुछ एक समर्थकों ने देवीलाल को इस बात को लेकर चढ़ाया कि अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो स्वच्छंद राजनीति नहीं कर सकते। बैठक शुरू हुई और बैठक में वीपी सिंह ने प्रवेश करते ही कहा कि देवीलाल को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए क्योंकि जननेता वही है। देवीलाल ने तुरंत उठ खड़े होकर कहा कि वो स्वच्छंद राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री का पद लेकर वो बंधना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री तो वीपी सिंह को ही होना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम की अगुवाई वीपी सिंह ने की है। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनना चाहते थे लेकिन मायूस हो गए, कुछ कह नहीं सके, अपनी बात कैसे सामने रखते, कोई समर्थन करने को तैयार नहीं था। अंततः वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और चंद्रशेखर गुस्से से पैर पटकते रह गए। जो उस वक्त समय की राजनीति थी बड़ी फ्लूइड राजनीति थी, जिसमें किसी सरकार के पास किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं था, तो मिला जुला एक संगठन तैयार करना था, तो उसमें सब लोग एक दूसरे से, ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट, हमने तो देखा, हम उस पीरियड में सब देखते ही थे कि रोज़ राजनीति बदलती थी, इक्वेशंस बदलती थी, सपोर्ट और बदलता था। चंद्रशेखर बहुत नाराज थे। संसदीय दल के चुनाव में जो ड्रामा हुआ था उससे सरकार गठन के पहले ही उसके विघटन की स्क्रिप्ट भी लिख दी गई थी। हिंदुस्तान के लिए वो बेहद अहम दौर था। यूपी से ताल्लुक रखने वाले दोनों प्रधानमंत्रियों वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सियासत को समझने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर लखनऊ में हैं। गठबंधन की राजनीति में क्या नहीं होना चाहिए, अगर ये सीखना है या इसे समझना है तो हमें वीपी सिंह और चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देखना चाहिए। वो एक ऐसा दौर था जब देश में राजनीतिक अस्थिरता बड़े पैमाने पर थी, आर्थिक अवरोध या यूं कहें कि आर्थिक गतिरोध बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा था और उसके साथ साथ जन असंतोष भी बहुत बड़े पैमाने पर था। इसके साथ साथ आज जिस शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं, डिसरप्टिव चेंज, अगर ये आपको समझना है तो आपको फिर वीपी सिंह और चंद्रशेखर के कार्यकाल को समझना पड़ेगा। देवीलाल ने थाली में परोसकर पीएम का ताज वीपी सिंह को सौंपा था। वीपी सिंह को देशव्यापी लीडर का दर्जा दिलवाने में देवीलाल की क्या भूमिका रही, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1988 में अमिताभ बच्चन के इस्तीफे से खाली हुई इलाहाबाद सीट से वीपी सिंह को उम्मीदवार बनाने और उनके चुनाव प्रचार में देवीलाल की भूमिका थी। देवीलाल ने वीपी सिंह के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन एहसान का हक अदा करने के बजाय वीपी सिंह ने देवीलाल की जड़ काटने में अहम कदम उठाया था। देवीलाल का कद कम करने के लिए वीपी सिंह ने ऐसा फैसला लिया था जिससे देश में आग लगने वाली थी। हम उस फैसले के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीपी सिंह की सियासत की बात करते हैं। उनके सत्ता के शिखर तक पहुंचने की पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। वीपी सिंह ने अपने सियासी करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी। पहले सांसद बने थे, फिर केंद्र में मंत्री। 1980 में उन्हें यूपी का सीएम बनाया गया, लेकिन उनकी सियासत में बदलाव उस वक्त आया जब उन्हें केंद्र में वित्त मंत्री बनाया गया। वित्त मंत्री रहते हुए वीपी सिंह ने कुछ कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ कार्रवाई की थी। उसके बाद उनका प्रभार बदल दिया गया, वीपी सिंह को रक्षा मंत्री बना दिया गया। इस कदम से वीपी सिंह बहुत नाराज हुए। वैसे वीपी सिंह की नाराजगी की वजह एक नहीं थी। वीपी सिंह इस बात से भी बहुत नाराज थे कि राजीव गांधी ने अपने दोस्त और बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से चुनाव लड़वाया था। वीपी सिंह को यह बात कतई मंजूर नहीं थी कि कोई दूसरा उनकी जमीन हथिया ले। वीपी सिंह राजीव गांधी से बदला लेना चाहते थे। बोफोर्स के जरिए वीपी सिंह को मौका मिल गया। राजीव गांधी जो प्रचंड बहुमत के साथ 403 सीटें 1984 में जीत चुके थे, 1989 के चुनाव में आधी से भी कम सीटें जीत पाए।
और वो इसलिए क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा। इससे पहले हिंदुस्तान ने जन आंदोलन तब देखा था जब छात्र बाहर निकल कर आ रहे थे और उसके बाद देश में इमरजेंसी लगी। लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर देश में जन आंदोलन 1988-89 में पहली बार देखने को मिला, जिसकी अगुवाई वीपी सिंह कर रहे थे। राजीव गांधी की सरकार पर बफोर्स की दलाली का आरोप लगा और गली गली ये शोर होने लगा, गली गली में शोर है, कांग्रेस चोर है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाने लगा, राजा नहीं फकीर है, हिंदुस्तान की तकदीर है। ये नारे वीपी सिंह के लिए लग रहे थे। कुल मिलाकर एक ऐसा दौर था जिसमें बदलाव हो रहा था, गठबंधन की राजनीति सामने आ रही थी और वो तमाम घटक दल एक दूसरे के साथ आ रहे थे, जिसे हम कहते हैं एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 1977 में जनता पार्टी के एक्सपेरिमेंट के बाद ये दूसरा मौका था जब देश गठबंधन की सरकार देख रहा था, और ऐसे गठबंधन की सरकार जहां पर मुखिया चुनना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती थी। बोफोर्स के साए में 1989 का चुनाव हुआ और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। 1989 के चुनाव में कांग्रेस को 197 सीटें हासिल हुई, जनता दल को 143, बीजेपी को 85, सीपीएम को 33 और सीपीआई को 12। चंद्रशेखर को मात देकर वीपी सिंह के पीएम बनने की हसरत पूरी हो गई थी, लेकिन चंद्रशेखर ने हार नहीं मानी थी। वो दूसरे मोर्चे पर वीपी सिंह को शिकस्त देने की कोशिश में जुटे थे। चंद्रशेखर को शक्ति प्रदर्शन का मौका उस वक्त मिला जब जनता दल में बिहार और यूपी का सीएम चुनने का मौका आया। यूपी में वीपी सिंह की पसंद अजीत सिंह थी, लेकिन चंद्रशेखर ने मुलायम सिंह यादव का समर्थन किया और उन्हें सीएम बनने में मदद की। बिहार में भी ऐसा ही हुआ। यहां रामसुंदर दास वीपी सिंह के कैंडिडेट थे, लेकिन चंद्रशेखर ने लालू प्रसाद का समर्थन किया, रघुनाथ झा को खड़ा करवाया और लालू जीत गए। वीपी सिंह की अदावत सिर्फ चंद्रशेखर से नहीं थी, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री देवीलाल भी वीपी सिंह की मुश्किल लगातार बढ़ा रहे थे। देवीलाल की बयानबाजी से लगातार सरकार पर संकट गहरा रहा था। इसी कश्मकश के बीच उन्होंने एक फैसला लिया जिससे देश में सियासी और सामाजिक उबाल आ गया। यह ऐसा फैसला था जिससे देश की हिंदी पट्टी की सियासी तस्वीर बदलने वाली थी। ये एक ऐसा कदम था जिसका दूरगामी असर होने वाला था। वो फैसला था पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण देने वाली मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना। वैसे तो जनता पार्टी की सरकार के दौरान 1977 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट तैयार की गई थी, लेकिन इसे लागू में लाया गया 13 साल बाद 1990 में। इस रिपोर्ट को लागू करवाने में जिस शख्स की सबसे अहम भूमिका थी वो थे बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें संसद में लागू करने का फैसला किया। फैसले में सहयोगी बीजेपी को शरीक नहीं किया गया। इस फैसले के बाद सड़क पर संग्राम शुरू हो गया। विरोध प्रदर्शन, आत्मदाह, पूरे उत्तर भारत में छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया। मंडल समर्थक और विरोधियों में समाज बटा नजर आया। जो वर्ग कभी वीपी सिंह को राजा नहीं फकीर, देश की तकदीर है के नारों से सम्मानित करता था, उस वर्ग में वीपी सिंह की छवि खलनायक की हो गई। वीपी सिंह के लिए राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है के नारे सुनाई देने लगे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट देश में लागू क्या हुई, 27% आरक्षण की बात क्या हुई, पूरे देश में छात्र वर्ग में आग लग गई। बड़े पैमाने पर देश भर में विरोध और प्रदर्शन होने लगा। दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू और तमाम अन्य विश्वविद्यालय के छात्र बाहर निकल आए। बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा था, पुलिस ने लाठी चार्ज की और ऐसे में छात्रों ने आत्मदाह शुरू कर दिया। पूरे देश भर से 4 से 5 छात्रों के आत्मदाह की कहानी सामने आई और पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन वीपी सिंह अड़े हुए थे। उन्हें पता था कि अगर मंडल कमीशन की सिफारिशों को उन्होंने वापस लेने की कोशिश भी की तो जो चाल उन्होंने चली है वो कभी कामयाब न हो पाएगी। देश बट रहा था, लेकिन वीपी सिंह अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने पर अड़े रहे। मंडल कमीशन के जरिए वीपी सिंह ने अपनी सियासी जमीन को विस्तार देने की कोशिश की, तो बीजेपी की तरफ से भी करारा जवाब दिया गया। राम मंदिर आंदोलन के जरिए बीजेपी ने इसकी काट ढूंढने की कोशिश की। देश की सियासत मंडल और कमंडल के भंवरजाल में फंस चुकी थी। राजीव गांधी के दौर में जब राम मंदिर के पाठ खोले, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार, खास करके विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल राम मंदिर निर्माण के आंदोलन को तेज कर रहे थे। 1989 में मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार थी और ऐसे में शिलान्यास के लिए बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या में एकत्रित हो रहे थे। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कार सेवकों पर पुलिस के द्वारा गोली चलाने के आदेश दिए।
बड़ी संख्या में कार्य सेवकों की मृत्यु हुई और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता पूरे देश भर में बढ़ रही थी, क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। विश्वनाथ प्रताप सिंह बीजेपी की इस बढ़ती लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे थे, उन्हें काफी दिक्कतें हो रही थी। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता थी। लाल कृष्ण आडवाणी 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की। वो अयोध्या पहुंचकर राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का काम 30 अक्टूबर को शुरू करवाना चाहते थे। हालात लगातार खराब हो रहे थे। वीपी सरकार को बीजेपी का संदेश साफ था, अगर आडवाणी की गिरफ्तारी हुई तो सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। वीपी सिंह के सामने सरकार बचाने की चुनौती थी, क्या करें उन्हें समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बिहार के तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव फैसला ले चुके थे। वो अल्पसंख्यकों का मसीहा बनने का सुनहरा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा। 17 अक्टूबर 1990 को बीजेपी की तरफ से धमकी दी गई थी। वही 23 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में लालू के आदेश पर आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल लालकृष्ण आडवाणी के सारथी भी रहे, लेकिन दिल्ली जब अपने पहले दौर को खत्म करने के बाद लालकृष्ण आडवाणी पहुंचे तो ज्योति बसु समेत तमाम नेताओं ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि देश धार्मिक आधार पर बट रहा है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। लालकृष्ण आडवाणी समझे नहीं, न ही उन्होंने उनकी बात मानी। रथ यात्रा जारी रही, लेकिन उनकी रथ यात्रा को बिहार में लालू प्रसाद यादव ने रोका। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल वो कर लिया जो अभी तक कोई नहीं सोच पा रहा था। राम जन्मभूमि को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो चुका था और दरअसल इसी के रास्ते ये भी तय हो चुका था कि कैसे 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार बनेगी। बीजेपी ने सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। 7 नवंबर 1990 वीपी सिंह विश्वास मत हार गए। 7 नवंबर 1990 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वीपी सिंह के इस्तीफे से जनता दल की अगुवाई वाली सरकार गिर गई, लेकिन गठबंधन सरकार का ड्रामा यही खत्म होने वाला नहीं था। ऐसा लगा मानो 1977 का इतिहास दोहराया जा रहा हो। एक और सियासतदान की प्रधानमंत्री की ख्वाहिशें पूरी हो रही थी। वीपी सिंह के इस्तीफे के पहले ही जनता दल बढ़ चुका था। 5 नवंबर 1990 को देवीलाल और चंद्रशेखर ने 64 जनता दल सांसदों के साथ मिलकर समाजवादी जनता पार्टी बनाई थी। कांग्रेस ने समाजवादी जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया और 64 सांसदों वाली पार्टी के अगुवा चंद्रशेखर की ताजपोशी का रास्ता साफ हो गया। 10 नवंबर 1990 कांग्रेस के बाहरी समर्थन से चंद्रशेखर की अगुवाई में केंद्र में सरकार बनी। सत्ता संभालते ही चंद्रशेखर के सामने चुनौतियों का अंबार था। उस वक्त मुल्क के आर्थिक हालात बेहद खराब थे। हालात इतने खराब थे कि सरकार को सोना गिरवी रखने का फैसला करना पड़ा। सबसे मुश्किल आर्थिक फैसला लेने की कोशिश के साथ अपने कार्यकाल में चंद्रशेखर ने कुछ अहम मसलों को सुलझाने की भी कोशिश की थी। इन्हीं में से एक था अयोध्या विवाद। बताया जाता है कि पहली बार चंद्रशेखर के कार्यकाल में ही अयोध्या विवाद को सुलझाने की कारगर पहल हुई थी। जानकारों के मुताबिक चंद्रशेखर ने मंदिर के मुद्दे पर हिंदू और मुस्लिम पक्षों से बातचीत की थी। हिंदुओं को जमीन देने और काशी मथुरा का मुद्दा नहीं उठाने की बात की तरफ मामला बढ़ रहा था। इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए गए थे, लेकिन इससे पहले की बात कुछ और आगे बढ़ती चंद्रशेखर सरकार पर संकट गहराने लगा। जिस वजह से चंद्रशेखर और राजीव गांधी के रिश्ते बिगड़े थे वो मामला जासूसी का था। उस वक्त हरियाणा पुलिस के 2 कांस्टेबल राजीव गांधी के घर के पास से जासूसी करने के आरोप में पकड़े गए थे। कांग्रेस के विरोध के चलते चंद्रशेखर बुरी तरह घिर चुके थे। मामला सरकार से समर्थन वापसी तक पहुंच चुका था, लेकिन इससे पहले कि कांग्रेस समर्थन वापस लेती चंद्रशेखर ने 6 मार्च 1991 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक्चुअली सपोर्ट कोई किसी सैद्धांतिक सपोर्ट नहीं थी, वो एक बहुत ही लोकल मुद्दों को लेकर सपोर्ट की दी गई थी और वो मुद्दे बहुत चलने वाले नहीं थे। चंद्रशेखर के इस्तीफे के साथ देश में एक और गठबंधन सरकार का प्रयोग असफल साबित हुआ। दूसरी बार हिंदुस्तान में गठबंधन सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। 1977 के बाद वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हिंदुस्तान गठबंधन की राजनीति के लिए अभी तैयार नहीं था। लेकिन वो दौर सामाजिक राजनीतिक लिहाज से काफी उथल पुथल भरा था। उस दौर के घटनाक्रम के जरिए जो सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी गई थी
उसका असर आज भी देश की सियासत में नजर आता है। 1977 की तरह 1990 में भी गठबंधन की सरकार गिर गई, लेकिन दोनों दौर में एक अंतर था। उस दौर से ये संकेत मिलने लगे थे कि हिंदुस्तान में बहुमत वाली सरकार के दिन लदने वाले हैं। जल्द ही गठबंधन सरकारों का समय आने वाला है।